गोवा यानी दुनिया भर के सैलानियों के लिए अल्टीमेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मनमोहक समुद्री तटों और दूर दूर तक फैली कुदरती खूबसूरती से दमकता गोवा, यही वजह है कि G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक के लिए गोवा को चुना गया, क्योंकि टूरिज्म के लिहाज से गोवा से बेहतर कोई जगह शायद ही हो। देश और दुनिया में खास पहचान रखने वाला गोवा संस्कृति और प्रकृति का अद्भुत संगम पेश करता है। समुद्र की लहरों के बीच प्रकृति की सुरम्यता मन मोह लेती है। दुनिया भर के लाखों सैलानी हर साल गोवा आते हैं और अब उनके लिए गोवा में टूरिज्म एक्सपीरियंस होने जा रहा है और भी खास। भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है और देश भर में G20 की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की आखिरी बैठक गोवा में चल रही है। ये बैठक 22 जून तक चलेगी। इस बैठक में G20 देशों के टूरिज्म मिनिस्टर शिरकत कर रहे हैं। टूरिज्म गोवा सरकार का मुख्य आधार है और इसी प्रतिबद्धता को कुशलता से निभा रहा है गोवा सरकार का पर्यटन विभाग, जो वहां के पर्यटन मंत्री रोहन खनवटे के मार्गदर्शन में इस दायित्व को बेहद संजीदगी से निभा रहा है। गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खनवटे का कहना है कि G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीट एंड टूरिज्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग न केवल गोवा के पारंपरिक बीच टूरिज्म को दुनिया के सामने शोकेस करने का जरिया बनेगा, बल्कि पर्यटन को लेकर लगातार की जा रही पहल का व्यापक स्तर पर लाभ लेने का विशेष अवसर भी प्रदान करेगा। इन गोवा टूरिज्म इनिशिएटिव्स आर डायरेक्टेड बाय द गोवा टूरिज्म बोर्ड विच इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री विद एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द टूरिज्म इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट। The collaborative approach ensures that decisions and policies related to tourism take into account the interests and expertise of both sectors. It allows for effective coordination, decision making and initiatives that benefit the tourism industry and the state as a whole. पर्यटन मंत्री रोहन खनवटे के मुताबिक हिंटरलैंड्स हेरिटेज और आध्यात्मिक पर्यटन, जंगल ट्रेल्स और होम स्टे गोवा टूरिज्म के खास आकर्षण हैं। गोवा के जायकों का भी अपना ही लुत्फ है। अनेक प्रकार के व्यंजन सैलानियों को टूरिज्म के साथ फूडिंग एक्सपीरियंस का भी तड़का लगाते हैं। हरियाली से भरे ग्रामीण इलाके और साल भर चलने वाले उत्सव गोवावासियों की जीवन शैली का खूबसूरत आईना है। टूरिज्म मिनिस्टर के मुताबिक गोवा टूरिज्म ग्रीनर और स्वच्छ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश में जुटा हुआ है। टूरिज्म मिनिस्टर रोहन खनवटे का कहना है कि प्राकृतिक सुंदरता और उदारता में बिना बदलाव कर उसे संरक्षित करते हुए उसे दुनिया के सामने पेश किया जाए, ये गोवा टूरिज्म की पहली प्राथमिकता है। इसकी वजह है आसपास की प्राकृतिक खूबसूरती को बरकरार रखना और सभी टूरिज्म इनिशिएटिव में इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। रोहन खनवटे के मुताबिक लंबे और सुरक्षित समुद्री किनारे के चलते याचिंग, सर्फिंग और उससे जुड़े एडवेंचर गोवा टूरिज्म की खास पहचान बने हुए हैं। यही नहीं, गोवा की नदियों में भी अंतर्राज्यीय वाटरवे क्रूज की अपार संभावनाएं हैं। खनवटे का कहना है कि गोवा क्रूज लाइनरों के लिए एक प्रमुख केंद्र बनने के लिए तैयार है। पर्यटन में टेक्नोलॉजी पर रोहन खनवटे का खास जोर है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे अपार संभावनाएं पैदा हुई हैं। इसका प्रयोग करते हुए पर्यटन का बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार करना आसान हुआ है। नई टेक्नोलॉजी से लैस गोवा टूरिज्म इस वजह से ग्लोबल मुकाम हासिल कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन को गोवा टूरिज्म ने खास तवज्जो दी है। यही वजह है कि राज्य में टूरिज्म मिनिस्ट्री के पास टूरिस्टों का डाटा उपलब्ध है। इस डाटे का इस्तेमाल सैलानियों को और सुविधाएं दिलाने में किया जा रहा है। इससे दोहरा फायदा है, स्थानीय आबादी के लिए रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ी हैं। सुंदर शोभित गोवा की थीम पर गोवा टूरिज्म कामयाबी की नई कहानी लिख रहा है। टूरिज्म के लिए ग्लोबल लेवल पर भारत आने का गेटवे गोवा बन रहा है और यही है गोवा टूरिज्म की सफलता की स्वर्णिम कहानी।